वो गड्डी देख के ना हॉरर और देने भी बड़ा ठूल है भाई वो पंजा जड़ा पंजा हजार रियाल वाला वो पंजा हजार दे नहीं बेसिकली पांच चार चार दे ते दऊं दे बन गए एक ही और ते एक दा बन गया 50 सेंट है ते 50 सेंट में ना 10 ते 10 20 सैसले चासी आती है ना पाउंड 2 पाउंड 5 पाउंड दा काम करण वाले ਸਾਡਾ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੋਟ 50 ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਲ੍ਹਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਛੜੇ ਨੇ ਯਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲੋ ਇਹ ਦੇ ਤੇ ਚੋਰ ਜੀ ਸਾਰਾ ਮਜ਼ਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਲਾਉਸ ਜ਼ਾਲਮ ਕੀ ਨੀਚੀ ਨਿਗਾਹ ਹੈ ਹਾਂ ਸਲਾਮ ਗਾਜ਼ੋਇਲ ਗਾਜ਼ੋਇਲ ਨੂੰ ਜਸ ਬਾਬਾ ਮਰੋ ਉੱਠਾ ਉਹ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਉਧਰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹਾਂ ਓਕੇ ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ शुक्रन ममनून ममनून ओ देखना इन्नी क्यों लगी है तो बगैर तो नहीं देता है कहना क्यों बड़ी डाडी लगी उदों की आना सी ना इतों की इंज करके तो रिवर्स करके पूछ लेने ਇੱਥੇ ਤੇ ਨਾ ਨਾ ਜਾ ਉੱਥੇ ਦੀ ਰਿਵਰਸ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਦਾ ਜੇ ਵੜਨ ਦੀ ਜਿੱਤੇ ਕਿੱਥੇ ਯਾਰ ਤੇ ਪੰਪ ਨਹੀਂ ਚੱਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਨਾ ਚਲੋ ਅੱਛੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਹੋਰ ਕਿਛੇ ਕਰੋ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਬਸ ਠੀਕ ਠੀਕ ठीक है जब तू भी पैप ले लेगा नहीं पहुंच रहा हूं पर पहुंच जाएगा एक बार और देख लेना ना बंदे कार्ड आ लेगा पूछो तो चलो चलिए जे नहीं काटे ले आज कल पूछो बंदे को लूं परे हो परे उस गल डरन दियो आप सारे ना बीच ਲਗਾ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਹੀ ਬਣਾ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਹੁਣ ਟੁਗਿਆ ਜੀ ਬਾੜੀ ਇਸ ਤੂੰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਚਲਾ ਹਾਂ ਹੈ ਜੀ ਜ਼ਹਾਰ ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਯਾਰ ਕੈਪ ਰੱਖ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲਾ ਲਓ ਭਾਵੇਂ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਲਓ ਇੱਥੇ ਲਾਣੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਕੇ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਜਿਤਨਾ ਸਫਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ नहीं कुछ कुछ हम समझ आवन लग पी हो पाकिस्तान जाए।
हम जनाब रुके हैं जी एक सर्विसेज पे। सर्विसेज क्या है, मतलब एक रेस्टोरेंट है ईरान का, बड़ा खूबसूरत माहौल बनाया उन्होंने। ये भी है जनाब, जिस तरह हमारे होते हैं ना शनवारी शनवारी, इसी तरह रेस्टोरेंट कबाब। ये जनाब अनीफ भाई बैठे हुए हैं, जंगीर भाई भी अभी आ रहे हैं, देखें बिल्कुल वो फट्टे बनाए हुए हैं इन्होंने और हम लोग इन फट्टों के ऊपर बैठे हुए हैं मज़े के साथ। हमने कहा ये माहौल भी चेक करना चाहिए हमें, ठीक है ना जी। ये देखें बिल्कुल साफ सुथरा खूबसूरत माहौल, क्लीन। अच्छा जी, अब आपके जनाब तन्हा मुसाफिर के लिए जनाब, ये पहले नंबर पर ये देखें ट्रकों का अड्डा होने के बावजूद कलीन कितने खूबसूरत साफ सुथरे कलीन हैं इनके, हैं जी। तो फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, ये बिल्कुल कागज़ की बनी हुई एक शीट जो है ना दस्तरखान के तौर पे इन्होंने डाली है, जिसके ऊपर वो खाना होगा। जब हम उठेंगे तो ये शीट उठाएँगे और वो बिन में फेंक देंगे, रीयूज़ नहीं करेंगे इसे। बड़ा ज़बरदस्त बहुत खूबसूरत इनका सिस्टम है जी। ये हमारे जहांगीर भाई बैठे हुए हैं जिनकी मत बचगी हुई है ड्राइव कर करके थक गए हुए हैं जनाब। ये दिल्ली दूरस्थ बड़े अजीब लोग ने, ये बोलते कुछ ने करते कुछ ने, जिवें इन्हां दे नोट जड़े ने और नोट मंगण ना 95 तो मान है अंदर ठीक रखे आज कुछ है की कबाब नाल चौल नाल चाह नाल ड्रिंक ठीक है। अंदाजा हो गया ए, पौने दो यूरो लगे ने, पौने दो यूरो, क्योंकि चार यूरो दा उस टाइम पता कीता सी के एक यूरो कीता थी ना चार नोटा दा। रेस्टोरेंट कॉफी शॉप जान दे, हम बेंजीन लेना ले, पहले बेंजीन ले भी है गैसोइल है, पहले जा चाय पीने आना चलो, फिर बेंजीन आपु बाने अपने ही दे, फिर इसने ही बाने तो थोड़ी जी जड़ा ना सिस्टम सेट हो जाए। अभी मुन्ना है ना मैं सेवा से पार्किंग 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 रेस्टोरेंट। तो रखी रखी बड़ा गड्डी से है और रिजर्व पार्किंग होनी है ना इतने ना लंजे सीधी ला जाना ए निकल दी। ओ यार चौधरी ने भी डर रहना ना पीछे क्या करूं, चढ़ के जना शना चढ़ के
ਕੋਈ ਕੋਈ ਆਇਆ ਬੰਦਾ ਓਏ ਅਸਲ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਚ ਬਣੇ ਡੀਜ਼ਲ ਯੈਸ ਮਾਈ ਫਰੈਂਡ ਦਾ ਸਾਈਡ ਫਸਟ ਦਾ ਸਾਈਡ ਕਾਫੀ ਪੀੜੀ ਸੀ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਸੀਧੇ ਜਲਨ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪਾਰਕਿੰਗ ਕਿੱਥੇ ਲੱਭਦੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਾਰਕਿੰਗ ਇੱਥੇ ਆਓ ਗੱਡੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਲਾ ਲਓ ਉਹਨੇ ਲਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਲਓ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਸੀ ਉਹ ਇਸਦੇ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜਦੀਆਂ ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਲਾ ਲਓ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਲਾਉਣੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਹੈ ਕੋਈ ਕੁਆਇਟ ਸਿਸਟਮ ਧੁੰਦ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕੀਤੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਉਹ ਕਰਨੇ ਆ ਬੰਦ ਨਾਲ ਲਾਉਣੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੈਰ ਸੁਣਨਾ जनाब हमने कज़वीन क्रॉस कर लिया हुआ है और अब हम हैं किसके नज़दीक तहरान वाली साइड पे और ये देखिए जनाब मौलाना साहब अच्छा जी ये हमने एक सर्विसेज भी आप रुके हैं दिन को हम तकरीबन 4:30 बजे चले थे और अब फिर जो है ना 4:30 हो गए हुए हैं गाड़ी मुसलसल ड्राइव करते हुए नींद से बुरा शहर है क्योंकि पहले भी तकरीबन 27 घंटे मेरे ख्याल से शायद ड्राइव की हुई थी इन्होंने तो जो है ना वो दिन को थोड़ा सा सो के 3-4 घंटे बाद इनको जल्दी थी क्या जहांगीर भाई को कि हम टाइम पे पहुंच जाएं तो लेकिन हुआ ये है कि वो जो अंदाज़ा था गूगल मैप्स का वो 9 आवर्स का था लेकिन 12 घंटे गुजरने के बाद अभी भी हमारे जो है ना 3-4 घंटे का सफ़र बाकी है तो अब हद हो गई जहांगीर भाई की मेरी नींद से हनीफ भाई तो तगड़े हैं जनाब वो क्योंकि उनका कुकड़ उनका दिल लगाए रखता है तो अब ये है कि यह गाड़ियाँ यहाँ पे आपने देखें खड़ी की हैं हम लोगों ने पीछे एक सर्विसज है तो पार्किंग उन्होंने ना बंद की हुई है यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी की हैं अब इरादा ये है कि थोड़ी देर जो है ना 1-2 घंटे अब आराम से लेटते हैं थोड़ी सी नींद पूरी करके फिर आगे चलते हैं बजाय ये क्या है कोई नुकसान हो जाए आप